नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जामिया और देश के कई जाने माने विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जनता के साथ साथ बॉलीवुड सितारे भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ नागरिकता संशोधन कानून की बातें चल रही हैं। ऐसे में फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने ट्वीट के जरिए कहा कि देश की मौजूदा स्थिति का छोटे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संजय गुप्ता ने ट्वीट किया कि मेरे बच्चे 6 और 8 साल के हैं, उन्हें नहीं पता कि धर्म क्या होता है। बेटे ने मेरी बीवी से पूछा क्या हम हिंदू हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम भारतीय हैं। मेरी परेशानी ये है कि उसने ये सवाल किया। इस ट्वीट के जरिए संजय गुप्ता ने देश में चल रही धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाया और उनके इस ट्वीट पर जमकर कमेंट्स भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कथित तौर पर पुलिस गोलीबारी करती हुई नजर आ रही है। विश्वविद्यालय के बाथरूम में घायल छात्र और लहूलुहान हालत में छात्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने झड़पों के दौरान किसी के हताहत होने की खबरों से इनकार किया है। पुलिस के व्यवहार को लेकर देशभर में अलग ही माहौल है और सोशल मीडिया पर भी विरोध प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।